पंथ निरपेक्ष, भारत का राज्य किसी विशेष धर्म या पंथ के अनुसार नहीं चलेगा, न ही उसका झुकाव किसी धर्म या पंथ के प्रति होगा और न ही वह धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव करेगा। भारत के लोग विभिन्न धर्म व पंथों में आस्था रखते हैं व कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं या नास्तिक होते हैं। राज्य इन सभी के साथ एक सा व्यवहार करेगा और सभी को अपना धर्म मानने या न मानने की स्वतंत्रता रहेगी। राज्य सामान्यतया किसी धर्म के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा, मगर जहां सार्वजनिक शांति व्यवस्था या नैतिकता या स्वास्थ्य प्रभावित होता है वहां राज्य हस्तक्षेप भी कर सकता है। उदाहरण के लिए सती प्रथा, नरबलि प्रथा या विवाह की उम्र आदि में सरकार कानून बना सकती है। लोकतंत्रात्मक, वह शासन प्रणाली जिसमें समस्त शक्तियां जनता से उत्पन्न होती हैं। निश्चित अवधि में चुनाव के द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है और जनप्रतिनिधि कानून के अनुसार उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करते हैं। बहुदलीय प्रणाली, विधि या कानून का शासन, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका और निष्पक्ष जनमत निर्माण के साधन जैसे स्वतंत्र समाचार पत्र और टीवी चैनल लोकतंत्र के घटक हैं। वह व्यवस्था जहां शासन प्रशासन के हर क्षेत्र में जनभागीदारी हो लोकतंत्र कहलाती है। गणराज्य, वह राज्य जिसमें शासन का प्रमुख जैसे कि राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर किसी चुनाव की प्रक्रिया से बनता है वह गणराज्य कहलाता है। भारत व पाकिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव से बनते हैं, जबकि ब्रिटेन, जापान जैसे अनेक देशों में शासन प्रमुख वंशानुगत राज परिवार का मुखिया होता है। अतः वहाँ लोकतंत्र और संविधान है मगर गणराज्य नहीं, वे संवैधानिक राजशाही हैं। गणराज्य में जनप्रतिनिधि, प्रथम नागरिक व साधारण नागरिक व्यवहार में कानून के समक्ष समान होता है, जबकि राजशाही में राजा का स्थान विशेष होता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। न्याय से तात्पर्य है कि जिसका जो हक या अधिकार है वह उसे मिले और अगर कोई व्यक्ति या शासन उसका उल्लंघन करता है तो वह दंडित हो। अगर किसी को उसकी गरीबी, राजनैतिक विचार, जाति, धर्म या लिंग के कारण अपने अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है तो गणराज्य का दायित्व है कि उसके अधिकार उसे दिलवाए और ऐसी परिस्थितियां निर्मित करे ताकि इन कारणों से कोई अपना अधिकार न खो पाए। न्याय गहरे रूप में समानता और समान अवसर की अवधारणाओं से जुड़ा हुआ है, अतः यहाँ केवल न्यायालय में मिलने वाले कानूनी न्याय की बात नहीं की गई है। वास्तव में न्याय एक दार्शनिक अवधारणा है जिसे परिभाषित करना कठिन है। किसी का अधिकार क्या हो, यह किस आधार पर निर्धारित करें, इन पर कई मत हो सकते हैं और नए विचार उभर सकते हैं। इस कारण समय समय पर न्याय की अवधारणा पर पुनर्विचार करके नीति बनाना भी गणराज्य से अपेक्षित है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ होता है स्वयं निर्णय लेना और अपने जीवन को संचालित करना, किसी और का कहा मानने या उसके अनुसार चलने पर बाध्य न होना। भारत के हर नागरिक को खुद सोचकर अपने विचार बनाने, उनके अनुरूप जीवन जीने तथा उन्हें खुलकर दूसरों को बताने की स्वतंत्रता है। उन्हें किसी की बात मानने या न मानने, किसी भी धर्म को मानने या न मानने तथा किसी भी तरीके से उपासना करने या न करने का अधिकार होगा। नागरिक कैसे, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें और सोचें, अपने विचारों पर किस तरह अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। इसकी केवल एक शर्त है कि इससे दूसरे नागरिकों की स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन ना हो, यानी किसी अन्य व्यक्ति को बाध्य करने का प्रयास ना करें।